दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। हमारे देश में हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। 2011 में पिछली बार हुई थी। जो अभी हमारे देश के आंकड़े हैं वो सारे 2011 के हैं जनगणना संबंधी, और 2021 की जो जनगणना है वो शुरू होने से पहले ही उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विवाद का विषय ये है और इसकी अनगूंज हर जगह हो रही है। विवाद इस मुद्दे पर है कि क्या इस बार जो जातियों की गणना है, काउंटिंग है, वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब तक अपने देश में SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति की केवल गणना की जाती है। अन्य जो बिरादरियां हैं, अन्य जो वर्ण और जातियां हैं, उनकी अलग से गणना नहीं की जाती है। हमारे देश में जो पिछली सरकार थी, यानी UPA की सरकार की बात मैं कर रहा हूँ, NDA से पहले, यानी NDA 2 का जो दौर शुरू हुआ नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली सरकारों का, उसके पहले जो UPA सरकार थी, UPA ने सन 2008 और 10 के बीच में कई बार सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में आश्वासन दिया कि 2011 की जो जनगणना कराई जाएगी उसमें OBCs की जनगणना जरूर होगी। OBCs की इसलिए कि SC ST की जनगणना जिन कारणों से की जाती है उसमें बहुत बड़ा जो कारण है वो एफर्मेटिव एक्शन है, कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो सकारात्मक कार्रवाई है, आरक्षण के जो मसले हैं, वो चूंकि उनके यहाँ लागू किए जाने हैं इसलिए उनकी संख्या बहुत ज़रूरी है जानना। उसके हिसाब से फंड एलोकेट होता है, बहुत सारी चीज़ें तय की जाती हैं। भारत में OBC को रिजर्वेशन 1990 से पहले नहीं रहा है, और 1990 में भी जो घोषणा हुई थी हम सब जानते हैं कि 1993 में जाकर वो एग्जीक्यूट हो पाई। तो 1993 से भारत में OBC को रिजर्वेशन है। तो इसके पहले जो काउंटिंग में, यानी जनगणना में, OBC की अलग से गणना की बात नहीं उस तरह से प्रबल ढंग से उठती थी। हालांकि मंडल कमीशन ने जो 31 दिसंबर 1980 को भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सबमिट किया था उसमें जनगणना की ज़रूरत, यानी जनगणना में OBC यानी पिछड़ी जातियों की संख्या को अलग से काउंट करने के बारे में बहुत शिद्दत से रेखांकित किया था कि क्यों काउंटिंग न होने की वजह से उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आईं, बहुत बड़ी चुनौतियां आईं। और सच पूछिए तो बहुत सारे आंकड़े अंदाजिया ढंग से, जो बहुत सारे एकेडमिक रिसर्च वगैरह से आए थे, सर्वे से आए थे, उनके आधार पर बहुत सारे फैसले किए गए थे। आज भी भारत में इन जातियों के बारे में, इन वर्णों के बारे में बहुत सारे जो फैसले किए जाते हैं वो 1931 की जनगणना के आधार पर किए जाते हैं। यानी अंग्रेजों के ज़माने में 1931 में जब सभी जातियों की जनगणना की जाती थी जनगणना में, तो ये जो पहलू है आपको याद रखना होगा कि 1931 के बाद भारत में जाति जनगणना नहीं हुई है। इस बार जब मैं बात कर रहा था UPA की, पहले मैं बात अपनी बता दूं, 2010 में ये फैसला किया गया कि साहब इस बार जो 2011 की जनगणना होनी है उसमें OBC की जनगणना होगी, सदन में कहा गया, आश्वासन दिया गया, और UPA के जितने कांस्टिट्यूएंट थे वो भी सहमत हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी जनगणना नहीं की गई और उसको मैनिपुलेट किया गया। सदन में दिए गए आश्वासन और UPA के सभी कांस्टिट्यूएंट्स के बीच में जो सहमति बनी, उन सबको धराशायी करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली सरकार ने सन 2010 में जो आश्वासन दिया था उसको 2011 में एग्जीक्यूट नहीं होने दिया, और इसके लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को निजी तौर पर जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। अंदर की कहानी यह है कि कांग्रेस पार्टी की एक स्ट्रांग लॉबी, जब मैं कह रहा हूं तो आप समझ सकते हैं कि वो कौन से लोग हो रहे होंगे, उन्होंने बाकायदा लॉबिंग करके और जनगणना का हिस्सा नहीं बनने दिया काउंटिंग को, यानी OBC की काउंटिंग को। और उन्होंने प्रणब मुखर्जी, जो उस वक्त भारत के वित्त मंत्री थे, उनकी अगुवाई में एक सब कमेटी बना दी, और उस सब कमेटी ने यह रिकमेंड किया कि एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे करा लिया जाएगा
इस जनगणना के बाद, जनगणना के कुछ ही समय बाद वो शुरू हो गया। और दोस्तों मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि उस पर भारत सरकार ने 4,893 करोड़ का फंड एलोकेट किया। याद रखिएगा 4,893 करोड़, अगर मेरा आंकड़ा सही है तो, और ये आंकड़ा मैंने गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से लिया है। लेकिन आज तक उस सोशो इकोनॉमिक जो कास्ट सर्वे था उसका कोई आंकड़ा पब्लिक नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उस आंकड़े में भी दिक्कतें हैं, उसकी प्रामाणिकता, उसकी वैज्ञानिकता, उसके आधार को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। इस बीच में बड़े हिस्से में प्रचारित कर दिया गया कि भारत की जो जनगणना हुई है 2011 में, उसमें कास्ट की संख्या गणना उसकी कर ली गई है, यानी ओबीसी की काउंटिंग कर ली गई है। इसका नतीजा क्या निकला कि भारत के बहुत सारे पिछड़े वर्ग के नेता ये दलील देने लगे और ये मांग करने लगे कि भारत सरकार ने जो जनगणना कराई है ओबीसी की, उसको पब्लिक करें आंकड़ा। मजे की बात है कि 2015 के चुनाव से पहले बिहार में लालू प्रसाद यादव ने इसको अभियान बना दिया, लेकिन वो अभियान गलत तथ्यों पर आधारित था, गलत सूचनाओं पर आधारित था। भारत की जनगणना में, जनगणना कार्यालय यानी जनगणना आयुक्त की तरफ से जो भारत की आधिकारिक जनगणना हुई थी 2011 में, उसमें ओबीसी की कोई काउंटिंग नहीं की गई थी। तो ये सरासर झूठ प्रचारित किया गया, और उसको प्रचारित करने में सरकार के कुछ लोग, सरकारी जो एजेंसियां थीं वो इन्वॉल्व थीं, और प्लस अपने देश का वह मीडिया इन्वॉल्व था जिसमें अज्ञान का काफ़ी बड़ा हिस्सा है, और साथ साथ धोखाधड़ी का भी। धोखाधड़ी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रामाणिक तथ्यों के बाद भी अगर झूठ प्रचारित किया जाता है तो इसको अब आप क्या कहेंगे? ये तो धोखाधड़ी है, जनता की नज़र में, जनता की आँख में धूल झोंकने की बात है। सच ये था कि वो ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी मंत्रालय, नगर विकास मंत्रालय और अन्य कुछ सरकारी डिपार्टमेंट्स के सहयोग से और ग्रामीण विकास मंत्रालय के नेतृत्व में वो एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे था जो जनगणना का पर्याय नहीं हो सकता। भारत के जनगणना आयुक्त की अगुवाई में होने वाले जो गणना है विभिन्न वर्णों जातियों की, उसका वो पर्यायवाची, उसका वो समतुल्य नहीं हो सकता था। न तो उसको वह वैधानिक मान्यता मिल सकती थी, वो एकेडमिक अपने जानकारी के लिए, तथ्यों को कोट करने के लिए, अखबार में खबर लिखने के लिए, वो सब तो चल जाता, लेकिन उसके आधार पर बहुत सारे फैसले नहीं किए जा सकते थे, कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था। जबकि जनगणना में जो आंकड़े आते हैं उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये एक बारीक फर्क था। जब भारत में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बन गई, उसके कुछ साल तक ओबीसी प्रधानमंत्री का बहुत सारा प्रचार किया गया। मोदी जी को पहली बार बताया गया कि वो ओबीसी हैं, हालांकि उन्होंने मंडल आयोग की जो रिपोर्ट आई थी रिजर्वेशन को लेकर, उस पर कभी उन्होंने बात भी नहीं की होगी। मुझे आज तक याद नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट्स को लागू करने के कॉन्टेक्स्ट में वीपी सिंह के दरमियान या उसके बाद कभी उन्होंने कोई बात कही हो। लेकिन प्रचारित कर दिया गया 2014 के चुनाव में कि ओबीसी प्राइम मिनिस्टर, तो ओबीसी समाज के लोगों को लगा कि अब तो ओबीसी प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, बन गया है, अब तो जरूर हो जाएगी जनगणना। लेकिन वो भी नहीं हुई। और मजे की बात है कि पूरी सरकार का कार्यकाल, पहला कार्यकाल एनडीए का निकल गया। चुनाव से ऐन पहले 2018 और 19 के बीच में, यानी 2018 के आखिर में, उस समय के जो गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, उन्होंने एक कमेटी की मीटिंग की अगुवाई करने के बाद कहा था कि इस बार जो 2021 में जनगणना की जाएगी भारत की, उसमें ओबीसी को काउंट किया जाएगा, क्योंकि एफर्मेटिव एक्शन या आरक्षण के मामलों को आगे तय करने के लिए और नौकरियों में हिस्सेदारी तय करने के लिए ये आंकड़े ज़रूरी हैं। लेकिन मजे की बात है कि अभी उसी सरकार के गृह राज्य मंत्री ने ये ऐलान कर दिया, और उन्होंने लिखित उत्तर में कहा है कि इस बार जो जनगणना की जा रही है उसमें हम कोई अलग से जातियों की गणना नहीं करने जा रहे हैं। यानी जिस मंत्रालय ने कहा कि करेंगे, उसी मंत्रालय ने कह दिया कि नथिंग लाइक दैट। तो अब ऑफिशियल जो पोजीशन नरेंद्र मोदी जी की सरकार की है कि भारत में अलग से जनगणना जो ओबीसी की है या अन्य जातियों की है वो नहीं की जाएगी, जो पहले SC ST की होती थी केवल वही होगी। अब सवाल इस बात का है कि 10% जो रिजर्वेशन पिछले दिनों
इसी सरकार ने अपर कास्ट के आर्थिक रूप से विपन्न लोगों के नाम पर तय किया, लेकिन भारत के अनेक राज्य अभी भी हैं जहां 27% रिजर्वेशन ओबीसी का भी नहीं लागू है। 27% भी, वहां ओबीसी की संख्या कितनी है उन राज्यों को नहीं मालूम। ओबीसी की समाज में हिस्सेदारी कितनी है, कौन सी जातियां ओबीसी हैं कौन नहीं है, इनकी भी ठीक से जानकारी नहीं है। तो जिस देश में 27% जो बहुत मिनिमम है, स्वयं मंडल कमीशन ने कहा था कि ये न्यूनतम आंकड़ा हम पेश कर रहे हैं ताकि इसको चैलेंज न किया जा सके, जबकि उनके मुताबिक जो आबादी है 50% 52% से ऊपर है। तो जिस समाज की पूरी आबादी 52 से लेकर 54% तक आंकी जाती है उसको 27% रिजर्वेशन दिया गया और अनेक राज्यों में वह भी उपलब्ध आज नहीं है। तो दोस्तों, हमारा ये कहना है कि इस देश में चुनावी राजनीति में बहुत सारे दंगल ओबीसी के नाम पर हो रहे हैं आजकल खास तौर पे, लेकिन ओबीसी की संख्या कितनी भारत के समाज में है ये पता करने वाला कोई नहीं है। और जब कोई ये बात उठाता है तो लोग कहते हैं कि इससे तो कास्टिज्म फैलेगा, इससे तो जातपात फैलेगा। तो दोस्तों, मेरा एक बहुत ही साधारण सा सुझाव है कि जो लोग समझते हैं कि जातियों की गणना, यानी जातियां तो रहेंगी, वर्ण रहेंगे भारत में, लेकिन उनकी काउंटिंग नहीं होनी चाहिए वरना इससे जातिपात फैल जाएगा। बहुत अच्छी बात है, जातपात फैल जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं एक छोटा सा सुझाव देता हूं ऐसे लोगों के लिए और भारत सरकार के लिए भी। बहुत शक्तिशाली सरकार है, इतनी शक्तिशाली है कि वो जो चाहे वो कर लेती है, तो क्यों नहीं एक बड़ा फैसला भारत सरकार करती है और मीडिया इसको इंडोर्स करता है भारत का, और सारे के सारे वे लोग भी इंडोर्स करते हैं जो कहते हैं कि ओबीसी की काउंटिंग होने से जातिपात फैल जाएगा, कि भारत में एक बड़ा फैसला सरकार कर दे कि अब भारत में वर्ण व्यवस्था नहीं रहेगी, जातियां नहीं रहेंगी, इनको एबोलिश किया जाता है, इनको ख़त्म कर दिया जाता है। ये तो बहुत आसानी से हो सकता है, हिंदू कोड बिल का एक विस्तार कर लिया जाए, संविधान में इसको शामिल कर लिया जाए कि भारत में वर्ण व्यवस्था को ख़त्म किया जाता है। भाई, 3 तलाक से लेकर और तमाम जो मसले हैं उनको भारत सरकार ने स्टैंड लिया ना उन पर, तो उसी तरह से भारत की एक ऐसी वर्ण व्यवस्था जो सदियों से चली आ रही है, जो बिल्कुल गैर वाजिब है, जो बिल्कुल अवैज्ञानिक है, जो मनुष्य और मनुष्य के बीच में विभाजन करती है, जो श्रमिकों का ही विभाजन नहीं करती, बल्कि जो श्रम का विभाजन ही केवल नहीं करती है बल्कि श्रमिकों का भी विभाजन करती है। तो मैं कहता हूं कि अगर आपको जातपात खराब लगती है काउंटिंग होने से, केवल कि काउंटिंग अगर हो जाएगी तो जातपात फैलेगा, तो आप खत्म कर दीजिए ना पूरी वर्ण व्यवस्था और नए मापदंड लाइए, इकोनॉमिक लाइए, सोशल लाइए, दूसरे इश्यूज लाइए, रीजनल इम्बैलेंस के लाइए और उसके आधार पर एफर्मेटिव एक्शन तय कीजिए। फिर ये क्यों आप नाटक कर रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था भी रहेगी लेकिन जातियों की गणना भी नहीं होगी? वर्ण और जाति के आधार पर आपने एफर्मेटिव एक्शन तय किया है आर्टिकल 340 जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अलावा आर्टिकल 14, 15 तमाम आर्टिकल्स में ये सब कुछ है, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं जातपात फैलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने बढ़ चढ़ कर विरोध किया था कि ओबीसी की गणना नहीं होनी चाहिए अलग से, और कांग्रेस उस समय इंजन चला रही थी, यानी सरकार का इंजन किसके पास था? कांग्रेस के पास। मैं 2010-11 की बात कर रहा हूं। और दोस्तों, बड़ी दिलचस्प बात है कि उस समय आरएसएस के एक बड़े नेता थे सुरेश भैया जी जोशी, उन्होंने 24 मई 2010 को, ये सेकंड मैन थे उन दिनों आरएसएस के, उन्होंने बाकायदे बयान देकर कहा था कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे हमारे देश में एक ऐसा विषाक्त माहौल अनावश्यक रूप से बढ़ेगा जो जातपात फैलाएगा। उन्होंने तो अंबेडकर को भी कोट किया था कि अंबेडकर साहब ने तो शुरू में ही कहा था कि जातियों को ख़त्म करना चाहिए जिससे कि भारत का समाज जाति मुक्त समाज बन सके, लेकिन आज तक नहीं किया गया। तो जब नहीं किया गया तो आज कांग्रेस भी वही पोजीशन जो ले चुकी है 2010-11 में, वही पोजीशन आज बीजेपी ले रही है, खासकर आबादियों के गणना को लेकर, खासकर जो हमारे देश में जनगणना ऑफिशियल लेवल पर की जाती है उसको लेकर, और एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है कि जनगणना तो की गई थी, ओबीसी की आंकड़े बसाने बाकी हैं। सच यह है कि वो सोशो इकोनॉमिक सर्वे था ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन में, और उसको
अनावश्यक कन्फ्यूजन फैला दिया गया मीडिया से लेकर राजनीति तक। तो दोस्तों ये कहानी आज मैं कहना चाहता था, और बिल्कुल आखिर में चलते चलते कि क्यों इस मुल्क में हम सिर्फ अपने इतिहास लेखन इस देश में हमने शुरू नहीं किया, विदेशियों ने शुरू किया। अगर विदेशियों ने डायरियाँ न लिखी होती, ट्रेवलॉग न लिखे होते, तो हमें तो 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी के बारे में भी रिकॉर्ड में न मिलता, और जो मिलता वो श्रुतियों श्लोकों और मंत्रों में मिलता, न जाने कितने कितने झूठ का विस्तार उसमें दिखाई देता। लेकिन 12वीं 13वीं शताब्दी से बहुत सारे विदेशियों के डॉक्यूमेंट से बहुत सारी सच्चाइयाँ मालूम पड़ती हैं। और आज देखिए, आज सिर्फ हम कोरोना के आंकड़े ही केवल झूठे परोसे जा रहे हैं, इसी को लेकर जो पूरी दुनिया में विवाद है, वही केवल आंकड़ों की हेराफेरी का मामला नहीं है। आंकड़ों का हेराफेरी हमारी आबादियों को लेकर भी है, हमारी जनगणना को लेकर भी है, हमारे समाज में जातियों और वर्णों की आबादियों को लेकर है। तो फिर एफर्मेटिव एक्शन और आरक्षण और नौकरियों में हिस्सेदारी का सवाल आप कैसे तय करेंगे? लोग चुनावों में मीडिया के लोग लिखते हैं कि इस क्षेत्र में इतनी आबादी, इसकी इतनी आबादी है, इसी आधार पर टिकट दिए जाते हैं पार्टियों के, लेकिन आप संख्या नहीं मालूम करना चाहते। दोस्तों ये ऐसा अज्ञान है, ऐसी शरारत है, ऐसी धोखाधड़ी है जो सिर्फ हमारे जैसे समाज में देखी जा सकती है। वैज्ञानिकता के ये बिल्कुल विरुद्ध है, और कुल मिलाकर ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो भारत को न तो आगे बढ़ने देती है और न तो वो कहीं ठहरने देती है, बल्कि और पीछे ले जाती है, हमारे समाज के कॉन्ट्रडिक्शंस को बढ़ाती है। इन शब्दों के साथ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.